अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में अस्पतालों को अमले की कमी का सामना। सूबे के अस्पताल में तवील वीकेंड पर अमले की कमी की वजह से आईसीयू बंद। नर्सिंग तंजीमों का बैन अल-अक़वामी लाइसेंसिंग दरख्वास्तों में तब्दीली का मुतालबा। टोरंटो में पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को पीआर के मसले का सामना। मुसाफिरों को लंबी लाइनअप, परवाज में रुकावट और सामान गायब होने जैसे मसाइल का सामना। फजाई सफर में इजाफे से दुनिया भर के हवाई अड्डे मुतासर हुए हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में गर्मी का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। अमेरिका ताइवान में मुदाखलत करके आग से खेल रहा है। चीनी सदर ने ताइवान के मामले पर जो बाइडेन को खबरदार कर दिया। चीन ने अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुजवजा दौरे ताइवान पर सख्त रद्द अमल दिया है। जंग के दौरान यूक्रेनी सदर को अहलिया के हमराह फोटोशूट करवाना महंगा पड़ गया। यूक्रेनी सदर फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाने पर तनकीद का शिकार। सोशल मीडिया सार्फीन की यूक्रेनी सदर और उनकी अहलिया पर कड़ी तनकीद। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Headlines aapne jaani aur ab khabrein tafseel ke saath. कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में अस्पतालों को अमले की कमी का सामना है। सूबे के अस्पताल में तवील वीकेंड पर अमले की कमी की वजह से आईसीयू बंद कर दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में अस्पतालों को अमले की कमी का सामना है। सूबे के अस्पताल में तवील वीकेंड पर अमले की कमी की वजह से आईसीयू बंद कर दिए गए। लैक्रिज हेल्थ डरहम रीजन में कई इलाकाई खसूसी मराकज और खिदमत का घर है जिसने अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट बंद कर दिया है ता वक्त ये जब तक कि यह अमले की सतह को मुस्तहकम ना कर सके। एक नुमाइंदे ने कहा कि लैक्रिज हेल्थ ओंटेरियो के बहुत से अस्पतालों की तरह अमले की नुमाया कमी के दरमियान काम जारी रखे हुए है। महफूज तरीन निगहदाश्त फराहम करना और शदीद और हंगामी खदमात बशमूल अहम निगहदाश्त फराहम करने की हमारी सलाहियत को महफूज रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। लैक्रिज हेल्थ ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो मरीजों और उनके अहले खाना पर आर्जी मुंतकली के असरात को तस्लीम करता है और बाकायदगी से सूरत हाल का जायजा लेगा और जब अमले की सूरत हाल काबू में होगी तो बोमन वेल को दोबारा खोलेंगे। नर्सिंग तंजीमें सूबे भर में अमले के मौजूदा बहरान से निमटने में मदद के लिए बैन अल-अक़वामी लाइसेंसिंग दरख्वास्तों में तब्दीली का मुतालबा कर रही हैं। ओंटेरियो कॉलेज ऑफ नर्सेस का कहना है कि तकरीबन 4000 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड जून तक प्रोसेस किया गया था जो कि पिछले साल की कार्रवाई से दुगना है। टोरंटो में पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को पीआर के मसले का सामना है। कुछ सियाहती ग्रुपों को खदशा है कि मुसाफिर टोरंटो को बाईपास करने का इंतखाब कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को पीआर के मसले का सामना है। कुछ सियाहती ग्रुपों को खदशा है कि मुसाफिर टोरंटो को बाईपास करने का इंतखाब कर सकते हैं। पियर्सन से गुजरने वाले नाराज मुसाफिर सोशल मीडिया पर अपने बुरे तजुर्बात के बारे में पोस्ट कर रहे हैं जिनमें लंबी लाइनअप, परवाज में रुकावट और सामान गायब होने की शिकायत कर रहे हैं जबकि हवाई अड्डे की मुश्किल को इस माह की बड़ी बैन अल-अक़वामी जरीदों में भी नुमाया किया गया है। माहरीन का कहना है कि ये कौमी शर्मिंदगी है। मुख्तसर मुद्दत में ये वाज़ेह तौर पर कैनेडा की सियाहत को मुतासिर करने वाला है। सफर में अचानक इजाफे की वजह से दुनिया भर के हवाई अड्डों पर भीड़ और परवाजों में
खलल पड़ा है। ताहम पियर्सन के मसाइल ने खास तवज्जो हासिल की है। इस वजह से हवाई अड्डा इस मौसम गर्मा में परवाजों में ताखीर के एतबार से सरे फहरिस्त रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस के मुताबिक 1 जून से 24 जुलाई के दरमियान पियर्सन की तमाम रवानगियों में से 57% ताखीर का शिकार हुई। ये दुनिया के 100 मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में सबसे ज्यादा शरह थी। मॉन्ट्रियल के ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तकरीबन 53% परवाजों में ताखीर के साथ दूसरा नंबर हासिल किया। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्ज हरारत 18 जबकि ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 जबकि ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हफ्ते के रोज शहर में हल्की धूप रहेगी जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 28 और रात के औकात में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इतवार के रोज शहर में धूप निकली रहेगी जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 31 और रात के औकात में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। शहर में गर्मी का मौसम आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा जबकि कम से कम दर्जा हरारत मंगल के रोज 17 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत पीर के रोज 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का भी इम्कान है जबकि मंगल के रोज शहर में बारिश का इम्कान है। 2 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली फोन कॉल के दौरान अमरीकी और चीनी सदूर ने ताइवान के मामले पर एक दूसरे को खबरदार किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। चीनी मीडिया के मुताबिक जुमेरात के रोज होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में दोनों सदूर के दरमियान 2 घंटे की मुफसिल और वाज़ेह बात हुई। 2 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली फोन कॉल के दौरान अमरीकी और चीनी सदूर ने ताइवान के मामले पर एक दूसरे को खबरदार किया। चीनी मीडिया का कहना है कि शी जिनपिंग ने ताइवान के मामले पर अमरीकी सदर को आग से ना खेलने का मशवरा दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने जो बाइडन को कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं वो बिलाखिर जल जाते हैं। चीन ताइवान पर हमले के लिए अपने दिफा को मजबूत बना रहा है, अमरीकी जर्नल का दावा। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हममनसब को बताया कि अमरीका ताइवान की हैसियत को तब्दील करने के किसी भी यकतरफा इकदाम की सख्ती से मुखालफत करता है। ताइवान के बारे में अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। ख्याल रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वुर करता है जबकि ताइवान खुद को एक अलहदा रियासत मानता है और इस मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से तनाजा चला आ रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुल्क में मौजूद जंगी सूरतेहाल के दौरान एक फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाने पर तनकीद का शिकार हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुल्क में मौजूदा जंगी सूरत हाल के दौरान एक फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाने पर तनकीद का शिकार हो गए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी अहलिया यूक्रेन की खातून अव्वल ओलेना ज़ेलेंस्का के साथ मस्कूरा मैगजीन के लिए एक रोमानवी फोटोशूट करवाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसी सूरत हाल में जब यूक्रेन में रूसी मदाखलत की वजह से हजारों लोग हलाक हो रहे हैं तो सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से यूक्रेनी सदर पर मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाने पर शदीद तनकीद की जा रही है। ये फोटोशूट यूक्रेन की खातून अव्वल ओलेना ज़ेलेंस्का के गैर ऐलानिया गैर सरकारी दौरे अमरीका के तनाजर में करवाया गया है जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि ओलेना ज़ेलेंस्का ने अमरीका में कांग्रेस से खिताब किया। उन्होंने इस खिताब में कहा कि वो खातून अव्वल नहीं बल्कि एक माँ और बेटी की हैसियत से अमरीकी कांग्रेस से बात कर रही हूँ। उन्होंने अमरीकी कानून साजों को यूक्रेन के बच्चों की तस्वीर दिखाई जो रूसी रॉकेटों से मारे गए थे और अमरीका से यूक्रेन के असलहे की सूरत में मजीद मदद की दरख्वास्त की। उधर सोशल मीडिया सार्फिन को किसी सूरत भी जंग के दौरान ये फोटो शूट पसंद नहीं आया। यहाँ एक नजर सार्फिन की जानिब से किए गए ट्वीट्स पर डाल लेते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।